ओके भाई लोग फाड़ दिया, मतलब मजा आया। आज के इस वीडियो में आप लोग जिस कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं भाई, उसका माल सच में भारी निकला। पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, इसलिए यहीं पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया प्लीज आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ध्यान से सुन लेना सारी चीजों को, तब अपना डेटा और टाइम वेस्ट करना। बाकी एक रिक्वेस्ट जरूर है कि भाई अगर मेरा काम पसंद आता है एंड चैनल पर अगर आप मेरे नए हो, ऐसी वीडियोस देखना पसंद है स्पेशली के ड्रामा से रिलेटेड या फिर के मूवी से रिलेटेड, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो फिर चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो भाई आज नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक कोरियन पिक्चर आई है जिसका नाम है अपराइजिंग। इस पिक्चर को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, लगभग 2 घंटे का वक्त देना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये पिक्चर आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है एंड इसकी डबिंग काफी बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट की भाई पिक्चर में आपको कुछ गंदा देखने को नहीं मिलेगा, बट दोस्त पिक्चर में आपको बहुत सारी ब्रुटैलिटी देखने को मिलेगी, इसलिए अगर आपके घर में चंगू मंगू है तो उनके साथ मत देखना, वरना तलवार उठा करके समझ रहे हो ना। बाकी मूवी की कहानी की बात करें तो पिक्चर की जो कहानी वो सिंपल है, उस एरा में सेट की गई है भाई जब जापानीज एंड जोसन यानी कि कोरियंस के बीच में वार वगैरह चलती रहती थी। दो दोस्त हैं अपने, नाम पढ़ के मैं बताता हूँ, लिख लिया हूँ, काफी टफ नाम था। पहला ई योंग रियो जो कि एक राजा का बेटा है, कैसा। दूसरा मैंने पता नहीं क्या लिख लिया, शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया है, रॉन्ग योंग कुछ ऐसे करके नाम है उसका, जो कि गरीब सर्वेंट है। दोनों के बीच में बचपन से दोस्ती रहती, बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों को एक्सप्लोर नहीं किया गया, बट हाँ जान लो कि इन दोनों के बीच में एकदम तगड़ी वाली फ्रेंडशिप, जान देंगे बट दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। लेकिन पिक्चर की कहानी को भी आगे बढ़ाना था तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से दोनों भाई अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा, कौन लोग हैं जिनकी वजह से जो भाई राजा की सल्तनत है वो उल्टी पुल्टी हो जाती है, यही सब जानने के लिए आपको भाई इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। मूवी की अब अगर बात करें तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई पिक्चर को देख के मजा आया। पूरी तरीके से भाई पिक्चर जो है अपना माल बेच रही है आपके सामने एक्शन के नाम पर, एंड इसका भाई जो एक्शन है इतना भारी है कि आपको बुला रहा है और बोल रहा है कि और मेरे मजे लो। स्वॉर्ड्स फाइटिंग वगैरह आपको इस पिक्चर में देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, एंड इन केस अगर आप एक ब्रूटल एक्शन लवर होगे तो उनको देख के आपको भाई बाप लेवल का मजा आएगा। कहीं से भी कमी नहीं रखी गई है, जो एक्शन पीसेस देखने को मिलते हैं उनकी ब्रूटैलिटी हो या फिर जिस हिसाब से उनको कैप्चर किया गया या फिर वहां पर जो आपको बीजीएम वगैरह सुनने को मिलता है या फिर जो काट फिट के सीन देखने को मिलते हैं बहुत बढ़िया। पिक्चर का जो एक्शन है वो पूरे के वर्थ वाचिंग है, इसके लिए मैं आपको इस पिक्चर को हाईली रिकमेंड करूंगा। दूसरी जो चीज मुझे अच्छी लगी इस पिक्चर में वो इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, जो एरा आपको देखने को मिलता है उसके लेवल पर जो आपको प्रोडक्शन क्वालिटी, जो सेट डिजाइन, जो कॉस्ट्यूम वगैरह देखने को मिलते हैं एक नंबर। थोड़ा सा पिक्चर में इमोशनल टच देने की कोशिश की गई जो कि कहीं कहीं पर आपके लिए काम करती है एंड कहीं कहीं पर भाई मेकर्स ने भी सीरियस नहीं लिया है। मूवी की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा स्टाइलिश वे के साथ की गई, चैप्टर वाइज जैसा अपन लोगों ने एक्स्यूमा में देखा था। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, उसमें आपको देख के मजा आएगा, लेकिन एक काफी बड़ी हैवी बैटल देखने के बाद इस पिक्चर में 7 साल का गैप देखने को मिलता है, तो उसके बाद जो आपको कहानी देखने को मिलती है स्ट्रगल की, वहां पर पिक्चर भाई थोड़ा सा स्लो हो जाती है एंड चीजें थोड़ा सा आपको बोर करेंगी थोड़ी देर के लिए। मींस पिक्चर के सेकंड हाफ में कुछ सीन्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा मतलब ड्रामेटिक हैं, बोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई पिक्चर में जो एक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं उनका काम भी काफी ज्यादा टॉप नॉच। वीक पॉइंट की बात करें तो पिक्चर की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है इसकी कहानी। देखो इस पिक्चर भाई जो कहानी आपको देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि आपने इसको देखा नहीं होगा, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा वाली जो चीजें हैं अपन लोगों ने काफी टाइम पहले ही देख के छोड़ दी, तो कहानी वाइज ये पिक्चर आपको कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती। राइटिंग इतनी ज्यादा स्मार्ट है नहीं, तो पिक्चर के क्लाइमेक्स में जब भाई एक बैटल चल रही होती हैवी, सब लोग मर रहे होते हैं, चीड़फाड़ चल रहा होता है, तो उसके बीच में एक ट्रांसलेटर रहता है भाई, उसकी सिचुएशन देख करके आपको हंसी आ जाएगी। तो थोड़े आपको वीक पॉइंट देखने को मिलेंगे राइटिंग को लेकर, बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है जो कि लैक करती, उतना ज्यादा ग्रेट लेवल में कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया। आप लाइक उनको जरूर करोगे बट उन पर अगर कुछ हैवी चीजें हो जाएंगे तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इमोशनल वेटेज की कमी है। बट इन साइड जोड़ा करके मैं आपको इतना बोलूंगा कि इन केस भाई अगर आपको करेक्टर कहानी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप एक ब्रूटल पीरियोडिक हिस्टोरिकल एक्शन मूवी देखना चाहते हो जिसमें आपको बाप लेवल का चीड़फाड़ देखने को मिले, ब्रूटल एक्शन सीन देखने को मिले, देन डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई इस पिक्चर का जो माल है आपको बुला रहा है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मूवी भाई पूरी तरीके से फैन फेस्ट है स्पेशली एक्शन लवर के लिए, एंड बस मैं इन साइड को जज करते हुए इस पिक्चर को रेट करूंगा 7.5 out of 10 स्टार। अगर आपने देखा है तो आपको पिक्चर कितनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, और वीडियो काम के लिए तो इस वीडियो को लाइक करना, बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मार लेना, और हाँ शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बता देना। मैं फिर से मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।